नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र की सियासत काफी दिलचस्प हो चली है। पहले तो शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देकर अपनी विचारधारा से अलग जाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ गठबंधन कर महाविकास अघाड़ी की सरकार बना ली, सीएम की कुर्सी भी हथिया ली। लेकिन क्या इन तीनों पार्टियों के बीच में साथ काम करने को लेकर सामंजस्य बैठ पाएगा? अभी तक सरकार को बने जितने भी दिन बीते हैं और जैसे बीते हैं उन्हें देखकर तो नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है। मंत्रालयों के बंटवारे से ही विवाद शुरू हो गए थे और नाराज हो गए थे शिवसेना के प्रवक्ता, या फिर कहें शिवसेना के लिए पूरी लड़ाई लड़ने वाले संजय राउत। किसी पार्टी की जो सबसे अहम कड़ी हो वही अगर पार्टी से नाराज हो जाए तो भला कैसे सब कुछ ठीक रह सकता है। वहां से शुरू हुई राउत की नाराजगी और उनके नाराजगी भरे बयान आज यहां तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने कह दिया है कि सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करने वालों को उसी जेल में भेज देना चाहिए जहां सावरकर को अंग्रेजों ने रखा था, ताकि उनके संघर्षों का एहसास हो सके। राउत ने यह बयान तब दिया था जब कांग्रेस ने वीर सावरकर की आलोचना को दोहराते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने का विरोध किया था, और यह संजय राउत की तरफ से एक हफ्ते में कही गई दूसरी विवादास्पद बात थी। इससे पहले उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला और इंदिरा गांधी को लेकर आपत्तिजनक बात बोल दी थी। कहा था कि अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी करीम लाला से मिलने जाया करती थी। हालांकि हो हल्ला होने के बाद राउत ने अपना बयान वापस जरूर ले लिया था, लेकिन तब तक तो तीर कमान से निकल ही चुका था। अब ऐसे में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के गठबंधन के एक धड़े का भले ही मानना हो कि राउत की ऐसी बयानबाजियों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन राउत कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनकी कही बात का किसी पर असर ना हो। शिवसेना के प्रवक्ता है और बीजेपी के खिलाफ तो शिवसेना की तरफ से पूरी लड़ाई उन्होंने ही लड़ी थी, और अगर वो बयानबाजी और नए नए रिश्तों में खटास का कारण बन जाएंगे तो पार्टी को तो उनसे किनारा करना ही पड़ेगा। वही किया युवा सेना के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने, कह दिया कि ये राउत का निजी मत है, हमें इतिहास में नहीं पहुंचना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि ऐसे विवादित मुद्दों पर सोच समझ कर शांति बरत लेनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक एडवाइस दी थी। खड़गे ने फोन कर शिवसेना से गठबंधन के तहत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो करने की बात कही थी। खड़गे ने कहा था कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए सही नहीं है, हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे मतभेद बढ़े। सरकार चलाने के लिए मिनिमम प्रोग्राम होता है जिसे पुरानी बातें करने की बजाय फॉलो करना चाहिए। अगर हम पुरानी बातें ही करेंगे तो कई सारी चीजें सामने आएंगी जो कि सही भी है। अगर कांग्रेस और शिवसेना के बीच में पुरानी बातें होंगी तो वो तो किसी के लिए भी अच्छी साबित नहीं हो पाएंगी, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस ने इस गठबंधन से पहले कभी ऐसा टाइम नहीं देखा जब इनके रिश्ते अच्छे रहे हों, और प्रवक्ता संजय राउत गठबंधन के बाद भी रिश्तों में मिठास नहीं रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर दे रहे हैं या कह दे रहे हैं जिससे अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच की खाई बढ़ती ही चली जा रही है। ये कम होती या खत्म होती तो दिखाई ही नहीं देती। भले इसके लिए उद्धव ठाकरे चुप ही क्यों ना बैठे रहे, क्योंकि काम बिगाड़ने का तो सारा काम संजय राउत ही कर दे रहे हैं। सवाल ये कि संजय राउत के मन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो खुद को कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने से रोक नहीं पा रहे। वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं या फिर उनके अंदर कांग्रेस के लिए नफरत ही कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी उनके मुंह से कांग्रेस के खिलाफ कुछ ना कुछ निकल ही आता है, और अभाग्यवश वो अच्छा नहीं होता, कांग्रेस के लिए बुरा ही होता है, जिसका सीधा असर महाविकास अघाड़ी की मौजूदा सरकार पर पड़ता है।